तो गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आवाज़ नहीं आ रही है। जैसे मैम ने कहा था कि हाफ डे हो चुका है, शायद बहुत से लोग नाश्ता करके नहीं आए हैं। नाम मेरा सत्येंद्र कुमार गौतम है और चाहूँगा कि आप पूरा टाइम जो है मेरे साथ कनेक्ट रहें, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन है। ट्रेनिंग में जो चीज़ को छूट जाती है तो शायद बाद में आप लोग पता नहीं कब सुनने को मिले, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और मेरा टॉपिक है आज 4D, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसका जो रिज़ल्ट है दोस्तों आपको बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है, क्योंकि ये सीक्रेट है हमारे इस बिज़नेस का। सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बिज़नेस में आते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले बात की जाती है कि हमें यहाँ पर ड्रीम्स देखने हैं। किसके लिए देखने हैं दोस्तों? अपने लिए देखने हैं। किसके लिए? अपने लिए देखने हैं। तो आपका मैं बराबर सहयोग चाहूँगा, जब मैं आपसे पूछूँगा तो आपको जवाब देना है कि क्या बात है। ड्रीम्स हम सभी जानते हैं दोस्तों, जो कि जगते हुए ड्रीम्स देखे जाते हैं ना, पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सोते हुए जो ड्रीम्स देखते हैं ना, शायद वो ड्रीम्स ही रह जाते हैं। लेकिन मोदी के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें देता है आज़ादी अपने सपनों को जीने की। ड्रीम क्या होते हैं दोस्तों? ड्रीम एक ऐसी चीज़ है जो आपको बिना गोल सेटिंग के कभी प्राप्त नहीं होने वाले हैं। यानी कि जब आप इस बिज़नेस में आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस बिज़नेस में क्यों आया हूँ, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, मैं यहाँ क्या पाने आया हूँ। ये आपका अपना गोल होता है, अपना ड्रीम होता है, जिसको आप लेते हैं यहाँ पर और उसके ऊपर काम करते हैं। ड्रीम की एक सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों, जब आप इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिज़नेस को बीच में छोड़ जाते हैं। शायद उनके ड्रीम्स कच्चे होते हैं या उनके ड्रीम्स होते ही नहीं हैं। लेकिन जो लोग इस बिज़नेस में फेलियर के बाद भी लगातार काम कर रहे होते हैं तो उनके बिज़नेस में क्या होता है, उनके ड्रीम पक्के होते हैं, मजबूत होते हैं और वो क्या करते हैं दोस्तों, आगे काम करते रहते हैं, अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करते हैं और गोल के बाद वो लगातार मेहनत करते हैं और अपनी ड्रीम अपनी टीम में भी जो है उसको बराबर डुप्लीकेट करते हैं, उनके भी ड्रीम्स को नोट करवाते हैं बाय डेट, बाय उनका जो भी ड्रीम है उसको डेट और टाइम के हिसाब से रिकॉर्ड करवाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों कि अपनी टीम के साथ साथ जब भी वो मार्केट में जाते हैं, यानी बाहर बाज़ार में जाते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और कभी उनको अगर फेलियर का सामना करना पड़ता है, और अगर आपके साथ भी ऐसा है, क्या होता है कभी आपके साथ ऐसा? शायद होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि इस बिज़नेस का सिस्टम ही ऐसा है। पहली बार में कभी भी कोई सक्सेस नहीं हो पाता, लगातार मेहनत करनी होती है। और जब किसी को पहली बार इस तरह की दिक्कत आती है, यानी उसको कोई फेलियर मिलता है, उसको नेगेटिव सोचने को मिलता है, सुनने को मिलता है, तो क्या करता है, उसके लिए एक सूत्र है, सबसे बढ़िया और आसान सूत्र है दोस्तों। अगर आपको भी कभी मिलता है, नेगेटिव सुनने को मिलता है, या आपको कहता है कि भैया ये काम हमारे मतलब का नहीं, आप गलत रास्ते पर हैं, तो आपने जिस दिन अपने उस ड्रीम को नोट किया था, दिन तारीख के साथ नोट किया था, उस ड्रीम को जरूर याद कर लीजिएगा, फिर आपका ड्रीम हमेशा जिंदा रहेगा। थैंक यू। अब दूसरे ड्रीम की बात, दूसरे डी की बात करें तो डेडिकेशन। ड्रीम तो सभी लोग देख लेते हैं, नोट भी कर लिया और आपने बना लिया, उसके बाद डेडिकेशन का होना बहुत ज़रूरी, यानी लगातार उस पर मेहनत करना, आपका वहाँ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी टीम्स होती हैं, काम कर रहे होते हैं लेकिन उनका डेडिकेशन उसके साथ कंप्लीट नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद आज मोदीगर को फुल टाइम कर रहे हैं, मोदीगर को फुल टाइम कर रहे हैं तो उनको कम से कम 8 घंटे यहाँ पर रेगुलर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपने ऐसे की बात करूँ जो प्राइवेट जॉब के साथ मोदीगर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो 2 से 3 घंटे अगर मैं इस बिज़नेस को रेगुलर करूँगा, यानी प्लानिंग करके उसके साथ डेडिकेशन के साथ पूरा समर्पण करके काम करूँगा, तो मुझे बहुत सारे अच्छे सारे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और यही काम हमें अपनी डाउनलाइन के साथ करना होता है कि उनको भी सिखाना होता है कि अगर आप 2 से 3 घंटे इसको बिज़नेस को देते हैं लगातार और काम करते हैं, तो आप भी निश्चित यहाँ पर एक सफलता को पा सकते हैं। तीसरे डी की बात करें दोस्तों, नाम है तीसरे डी की बात करें तो डिसिप्लिन। जैसा कि आपने पहले ड्रीम्स अपने बना लिए हैं, उसके बाद डेडिकेशन आपके अंदर आ गया, और उसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करें, अगर डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं है, जैसे अगर आप पर्सनली बात करें, आज बहुत से लोग ऐसे होंगे, आपने देखा होगा कि आज की इस ट्रेनिंग में बहुत से लोग टाइम पर भी आए हैं, टाइम से लेट भी आए हैं। हुआ ऐसा आपके साथ? कई लोग आए हैं, लेकिन डिसिप्लिन क्या कहता है दोस्तों? मोदी केयर और डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में डिसिप्लिन ये कहता है कि आपको टाइम का हमेशा विशेष ध्यान रखना है। कल हमारी अप्लायंस का, हमारे मेंटर्स का मैसेज आया था कि सर आपको करीब आधा घंटा पहले आना है, कब 9:30 बजे का टाइम दिया था और 9:30 बजे हम लोग यहाँ पर आ गए थे, और उसका रीज़न है कि आज हम इस पार्ट इसका ट्रेनिंग का हिस्सा हैं और पार्ट हैं और यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कहीं भी कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी ट्रेनिंग होती है, कोई भी सेमिनार होता है, हर डिसिप्लिन का याद रखें, क्योंकि आपकी डाउनलाइन आपसे सीखने वाली है। अगर आपकी डाउनलाइन आपसे नहीं सीख रही है, आप गलत कर रहे हैं, तो आपकी डाउनलाइन कहाँ जाएगी? गलत रास्ते पर जाएगी, और इस वजह से क्या होगा, आपके बिजनेस में डाउनफ्लो आना शुरू हो जाएगा। तो डिसिप्लिन का बहुत विशेष ध्यान रखें, क्योंकि डिसिप्लिन एक सबसे बड़ा सूत्र है। हमारा देश डिसिप्लिन के ऊपर चलता है, और जो लोग डिसिप्लिन का पालन करते हैं वो आगे ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस पे पाते हैं। बात करें आगे चौथे डी की, तो इसका नाम है डेलीगेशन, यानी दूसरों को
काम सौंपना यानी जिम्मेवारी सौंपना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज के इस ट्रेनिंग सेशन के लिए बहुत सारे लोगों ने बैकएंड में बहुत सारी तरक्की करी, मेहनत करी है, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए प्लानिंग करी है। तो उसके मतलब क्या हुआ है कि जो हमारी जो अपलाइन है, जो ग्रेट अपलाइन है, कपिल कौशिक सर, ममता कौम मैम, तो उन्होंने क्या किया कि सभी को बराबर बराबर जो है डेलीगेट किया है, उनको उनकी ड्यूटियाँ बांटी हैं और उस वजह से आज इस प्रोग्राम को सफल कर पा रहे हैं। तो आप भी अगर अपने डायरेक्ट सेलिंग लाइन में, अपने बिजनेस में अगर आप चाहते हैं कि आप तरक्की कर पाएँ, तो आप उनको बराबर मौका बांटिए। अगर कोई भी डाउनलाइन आपकी मान लीजिए परिवर्तन बहुत अच्छा करती है, या डेमो अच्छा देती है, या बिजनेस प्लान अच्छा देती है, तो सिर्फ उन्हीं 3-4 लोगों पर काम ना करें, बाकी टीम को भी ये मौका दें ताकि वो सीखें अच्छे से और आगे कर पाएँ। और उसके बाद अगर आपको दिखता है कि आपकी डाउनलाइन को आप काम सौंप पा रहे हैं और वो अच्छे से कर पा रही हैं, तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ थोड़ा स्पेयर टाइम मिलेगा, तो आप उस स्पेयर टाइम में क्या करें, अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से जो है कि एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं, कुछ अच्छा है, एक्स्ट्रा आप कोई नया आइडिया लगा सकते हैं और जो आपको टीम को आगे लेके जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप मैं आपको पोल्टी के बारे में बता पाऊँ। ओवर टू यू मैम।